हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेजी बाउल बनाएंगे। तो वेजी बाउल बनाने के लिए सबसे पहले हम चिली टोफू बनाएंगे। तो चिली टोफू बनाने के लिए यहाँ पे हमने टोफू लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हरा शिमला मिर्च और एक रेड शिमला मिर्च और एक प्याज लिया है। तो ये सारी चीज़ें को हम काट के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टोफू को कट कर लेंगे। तो टोफू को इस तरह से हम पैकिंग को कट करके ये टोफू को धो लेते हैं। धोने के बाद हम टोफू को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चिली टोफू है रियली बहुत टेस्टी लगता है और ये टोफू है वो हेल्दी भी है। तो आपको जो टोफू पसंद है तो टोफू जरूर डालिए। तो इस तरह से हम बड़े बड़े पीसीस में टोफू को काट के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने टोफू, लाल शिमला मिर्च, प्याज एंड हरा शिमला मिर्च को इस तरह से काट के रेडी किया है। तो टोफू चिली के लिए हम चिली सॉस बना लेते हैं। तो चिली सॉस बनाने के लिए हमने 1 घंटे के पहले 8 मीडियम साइज की सूखी मिर्च को पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो मिर्ची हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम चिली सॉस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 8 मीडियम साइज की मिर्ची डालेंगे। उसके बाद 2 बड़ी लहसुन की कली और 1 टुकड़ा अदरक का, 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून जितना पानी डाल के चिली सॉस रेडी कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा चिली सॉस रेडी हो चुका है। तो चलिए, हम टोफू चिली के लिए 1 बाउल में 1/2 कप जितना मैदा का आटा डालेंगे, क्योंकि हम टोफू के ऊपर कोटिंग करेंगे। उसके बाद 1/2 स्पून जितना मरी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक, 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस। उसके बाद 1/4 कप जितना पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैदा का घोल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से घोल रेडी कर लेना है। तो हम उसमें टोफू डाल देते हैं। टोफू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये घोल अच्छे से टोफू के ऊपर कवर हो जाए। और दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल भी हमारा गरम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोफू रेस्ट हो रहा है। तो दूसरी साइड हम किनोवा को बॉईल कर लेते हैं। तो किनोवा को बॉईल करने के लिए हम ये बर्तन में 2 बाउल भर के पानी डालेंगे। जो बाउल भर के हम किनोवा डालने वाले हैं, वही बाउल हमने यहाँ पे लिया है। 2 बाउल भर के हमने पानी डाला है। उसके बाद हम 1 बाउल भर के किनोवा डाल देंगे। तो परफेक्ट माप से हम किनोवा को बॉईल करेंगे। तो हमारा परफेक्ट किनोवा बॉईल होगा। उसके बाद थोड़ा सा नमक, तो हमने 1 बाउल भर के किनोवा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके एकदम लो फ्लेम पर हम किनोवा को पकने के लिए रख देते हैं। तो ए साइड हमारा किनोवा पक रहा है। तो दूसरी साइड हम बीन्स को भी बॉईल कर लेते हैं। तो बीन्स को बॉईल करने के लिए हम एक बर्तन में 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक डाल के उसमें हम ग्रीन बीन्स डाल देंगे। तो ग्रीन बीन्स को मैंने काट के रेडी कर लिया है, तो वो हम डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करके हम ये बीन्स को बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ए साइड हमारा बीन्स एंड किनोवा बॉईल हो रहा है। तो दूसरी साइड हम टोफू को भी फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वेजी बाउल में मैंने टोफू डाला है। अगर आपको टोफू पसंद नहीं है तो उसकी जगह आप पनीर भी डाल सकते हो। टोफू सबको पसंद नहीं होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को ये पसंद नहीं होता है। तो आपको जो पसंद है वो डाल सकते हो। और ये टोफू को हम क्रिस्पी क्रंची होने तक कम फ्राई करेंगे, मतलब बाहर का जो लेयर है एकदम क्रिस्पी
क्रिस्पी करारा बनेगा, अंदर से तो टोफू एकदम सॉफ्ट ही रहता है। तो हम ये टोफू को क्रिस्पी क्रंची होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। थोड़ा सा ये टोफू को फ्राई करने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से टोफू को फ्राई करेंगे तो हमारा टोफू एकदम क्रिस्पी एंड करारा बनेगा। तो लीजिए, हमारा टोफू फ्राई हो चुका है। तो हम ये टोफू को एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के ये टोफू को हम निकाल देते हैं। अब देख सकते हो ये टोफू ने बिल्कुल तेल नहीं लिया है। तो इस तरह से फ्राई करेंगे तो टोफू बिल्कुल तेल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोफू भी फ्राई हो चुका है। देख सकते हो बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची, अंदर से हमारा एकदम सॉफ्ट टोफू है। तो हमारा क्रिस्पी क्रंची टोफू रेडी है। तो दूसरी साइड हम किनोवा को भी चेक कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा 5 मिनट में किनोवा बॉईल हो चुका है, वो भी हमने एकदम लो फ्लेम पर पकाया है। तो आप इस तरह से किनोवा को चेक कर सकते हो। तो किनोवा को एकदम खिलखिला रखना है। तो इस तरह से एक बाउल किनोवा में 2 बाउल पानी डाल के बॉईल कर लीजिए। और दूसरी साइड हम ग्रीन बीन्स को भी चेक कर लेते हैं। तो ये साइड हमारा ग्रीन बीन्स भी बॉईल हो चुका है। तो हम इसको ढक्कन बंद करके रहने देते हैं और दूसरी साइड हम टोफू चिली बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, आधी स्पून जितना मरी पाउडर। उसके बाद यहाँ पे हमने प्याज शिमला मिर्च को काट के रेडी किया है, वो हम डाल देंगे। तो अराउंड आधा आधा कप जितना हमने प्याज शिमला मिर्च को काट के रेडी किया था वो हमने डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये शिमला मिर्च एंड प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस तरह से थोड़ी देर हिला के हम उसमें चिली सॉस डाल देंगे। तो 2 टेबल स्पून जितना चिली सॉस डाला है। उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं फिर से चिली सॉस डाल रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून जितना मैंने फिर से चिली सॉस डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम लास्ट में फ्राई किया हुआ टोफू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने कैप्सिकम एंड प्याज को बिल्कुल नहीं पकाया है। इस तरह से मिक्स करके हमने उसमें टोफू डाल दिया है। अगर आपको ये प्याज एंड कैप्सिकम को पकाना है तो आप थोड़ी देर कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके ये प्याज एंड शिमला मिर्च को पका सकते हो। तो लीजिए, हमारा गरम गरम टोफू चिली रेडी हो चुका है। तो वेजी बाउल के लिए हमारा किनोवा ग्रीन बीन्स एंड टोफू चिली रेडी है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट में टोफू चिली रखेंगे, उसके बाद किनोवा, उसके बाद ग्रीन बीन्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो वेजी बाउल बनाया है वो अगर आप डाइट इश्यू हो तो भी ये डिश बना सकते हो, और डिनर में कुछ लाइट खाना पसंद करते हो तो इस तरह से वेजी बाउल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।